कोयला ब्लॉक आवंटन में फाइलों के गुम होने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान पर भारी हंगामे के बाद से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को रोक दिया गया। लोकसभा में बीजेपी ने नारेबाजी की, वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक को भी स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने गलत तरीके से तेलंगाना का निर्माण किया है। बीजेपी ने भी तीन राज्यों का निर्माण किया था, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। बुधवार को सरकार ने आरटीआई को ऑनलाइन करने का पहला पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत देश के लोग घर बैठे ही 37 केंद्रीय विभागों से सूचना ऑनलाइन पा सकेंगे। दिल्ली हरियाणा में खाद्य सुरक्षा बिल के लॉन्च हो जाने के बाद सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक में 265 बदलाव करने जा रही है। संशोधन प्रस्ताव में दालें, तेल और चीनी के अलावा प्रति व्यक्ति 5 की जगह 7 किलो अनाज देने और नगद हस्तांतरण का प्रावधान खत्म करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी पर किशोर न्याय बोर्ड यानी JGB को फैसला सुनाने की अनुमति दे दी। बता दें कि हादसे के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। नाबालिग लड़की की ओर से लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोप के बाद आध्यात्मिक संत आसाराम बापू पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। जोधपुर पुलिस आसाराम बापू से किसी भी समय पूछताछ कर सकती है। वहीं आसाराम का जोधपुर आश्रम सील कर दिया गया है। गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन यानी GTA के कार्यकारी सदस्य समेत GJM के दो नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से लोगों में काफी गुस्सा है और वो सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के दो उप सेक्टरों में नियंत्रण रेखा की चौकियों पर बुधवार रात मोर्टार के दो गोले दागकर दो बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय बलों ने भी जवाबी कार्यवाही की। रिलीज से पहले विवादों में आई मद्रास कैफे के निर्देशक सुजीत सरकार ने कहा है कि फिल्म श्रीलंका के गृह युद्ध पर आधारित है। फिल्म में राजीव गांधी की हत्या के मामले से जुड़े सीन जरूर हैं, लेकिन फिल्म उनकी जिंदगी पर नहीं बनी है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।